और खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर नोएडा से, जहां पर पेटीएम ऑफिस पर जमकर हंगामा। पेटीएम कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप। सैकड़ों की संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पेटीएम कंपनी को बता रहे हैं चोर, पेटीएम चोर के नारे भी लगाए गए हैं लोगों के द्वारा। थाना फेस वन क्षेत्र में स्थित है पेटीएम ऑफिस। तो बड़ी खबर आपको नोएडा से बता रहे हैं, जहां पर पेटीएम कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लोगों ने लगाया है। सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, पेटीएम चोर के नारे भी लोगों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो पेटीएम कंपनी को लोग बता रहे हैं चोर, पेटीएम चोर के लोग जो है वो नारे लगा रहे हैं। और हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रिया राणा लगातार हमारे साथ बनी हुई है। प्रिया, पहले तो ये बताइए कि आखिरकार किस कारण से ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और पूरा मामला क्या है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 3 में पेटीएम कंपनी के बाहर ही मौजूद हैं, जहां आप पीछे की तस्वीरों में देख रही होंगी तो हजारों की संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं। इनका आरोप है कि पेटीएम के द्वारा इनके पैसे को फ्रीज कर लिया गया है, और पैसा वो कोई 1000-2000 रुपए नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग यहां पर मौजूद हैं, जहां पर देखिए पेटीएम के द्वारा उनके पैसों को फ्रीज किया जा रहा है। लाखों रुपए लोगों के अकाउंट में है, उसके बावजूद भी जो पेटीएम है अपनी मनमानी करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है आपका, कहाँ से आप आए? अभिषेक, गाजियाबाद से। क्या प्रॉब्लम है आपकी? मेरे 1,14,000 रुपए इन्होंने फ्रीज कर दिए, ये बोल के कि मेरे में फ्रॉड ट्रांजेक्शन हुई है। जो 3 ट्रांजेक्शन आई हैं वो ये मेरे भैया हैं, इनको मैं साथ लाया हूँ। इन्होंने ही मुझे 110, 50 और 160 3 ट्रांजेक्शन करी है, इन्होंने कोई रिपोर्ट ही नहीं करी। अब ये लोग बोल रहे हैं कि आपके खिलाफ रिपोर्ट हुई है। रिपोर्ट हुई है। कितने पैसे आंटी आपके हैं? आप लोग कितनी कौन सी बार अब आई हैं? क्या पहली बार आई हैं या इससे पहले भी आप शिकायत कर रही हैं? 5-6 बार आ चुकी हूं। 5-6 बार आ चुकी हैं, कोई पैसा नहीं मिल रहा। कितने पैसे हैं आपके? अभी मेरी ना कल परसों ही ना 2000 की वो हुई है पेमेंट, उसमें से पहले तो बैलेंस कटा हुआ दिखा दिया कि 900 रुपए एक काट दिए हैं, उसके बाद 1,035 रुपए के लिए भी होल्ड दिखा रखा है, वो भी मेरे अकाउंट में नहीं आए हैं। यानी कि ऐसे काफी पैसा रुका। देखिए बहुत सारे लोग हैं, लाखों लाखों रुपया अकाउंट। प्रिया जरा लोगों से ये भी जानने की कोशिश करिए कि क्या उन्होंने इसकी इस बात को लेकर कोई कंप्लेन किया और उसके बाद ये प्रदर्शन कर रहे हैं। विशाल सिंह नाम है, राजस्थान से आया हूँ, 3 बार आ चुका हूँ, मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिला अभी तक। और ये लोग मतलब जिस हिसाब से डील करते हैं यहाँ पे अंदर बैठ गए कि आप यहाँ पे, यहाँ के अंदर के जो एम्प्लॉय होते हैं वो अंदर बैठ के डील करते हैं कि आपका जितना अमाउंट है उसका 10% पे हमें कीजिए, हम आपको सॉल्यूशन करके देंगे। इवन ये बोलते हैं कि आप कर्नाटक जाइए, आप भोपाल जाइए, आप वहाँ जाइए। सब लोग जाके वहाँ पे बोलते हैं कि वहाँ से NOC लेके आ चुके हैं बंदे, लेकिन फिर भी ये सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं। क्योंकि इनका कहना है कि सबके खिलाफ रिपोर्ट हुई है जितने भी हैं यहाँ पे, और रिपोर्ट किसी के खिलाफ नहीं हुई है, ये अपने ही पैसे रोक रखे हैं। आपने कहीं शिकायत की इसकी लिए उससे पहले? करिए शिकायत, कोई सॉल्यूशन नहीं। कल आना, परसों आना, ऐसे करके घुमाते रहते हैं सिर्फ। इवन इनका सिस्टम ये खराब है, मेरे अकाउंट में 4.5 लाख रुपए है, 20,000 रुपए का फ्रॉड हुआ। सिस्टमेटिकली ये कहता है RBI की गाइडेंस ये है कि खाली 20,000 रुपए ये लेन लगा सकते हैं, ये पूरा का पूरा अकाउंट फ्रीज कर देते हैं, जो RBI के भी अगेंस्ट है। RBI की गाइडलाइंस आई थी अभी पिछले महीने कि जितने अमाउंट पर आपका फ्रीज लगेगा, आपके अकाउंट में 10 लाख हो, 20,000 की फ्रॉड बनी है, तो 20,000 हटाओ ना। आप पूरे के पूरा अकाउंट कैसे लिंक कर रहे हो, पूरा अकाउंट फ्रीज क्यों कर रहे हो? तो आप लोगों के द्वारा जब शिकायत दी जाती है, NOC लाने की बात की जा रही है कि कर्नाटका से NOC लाओ, ये भाई बंधु बता रहे हैं कि वहाँ से NOC भी ले आए, उसके बाद क्या जवाब आता है? कुछ नहीं आता, रिस्पॉन्स ही नहीं करते ना इनको पहले हम NOC दे देंगे, फिर बोलेंगे NOC हमने इनको दे दी, सब कुछ दे दिया, अब ये करेंगे आधार कार्ड दो, ID दो, ये दो, खुल जाएगा। एक हफ्ते में कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता। मेरा मई में हुआ था, मई के बाद इन्होंने जून में खोल दिया, 1 महीने में सेम कंप्लेंट से इन्होंने 6 महीने बाद फिर से बंद कर दिया। खाली 20,000 के मारे मेरे 6 लाख रुपए अटके गए। देखिए यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो बता रहे हैं, किसी की 5 लाख रुपए रकम है, किसी की 6 लाख रुपए रकम है। वही पेटीएम के द्वारा कहा जाता है कि आप कर्नाटका जाएं और वहां से NOC लेकर आएं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अलग अलग बताया जाए, जैसे बता रहे हैं कि भोपाल जाएं, वहां से NOC भी लेकर आते हैं, लेकिन बावजूद उसका पैसा उनको रिटर्न नहीं मिल रहा है। जनता यहाँ परेशान है, आप तस्वीरों में देख रही होंगी, और ऐसा पहली बार नहीं, इससे पहले भी यहाँ पर हुआ है कि यहाँ पर पब्लिक इकट्ठा होती है, अपने पैसों की मांग करती है, लेकिन बावजूद उसके जो पेटीएम है ये फ्रॉड करता हुआ नजर आ रहा है। कहाँ से आप लोग आए हैं? जी प्रिया, आप लोगों से बातचीत करी, फिलहाल आपके पास लौटेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।